हेलो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हैमिल्टन प्रिंसिपल की हेल्प से लैग्रेंजियंस इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के अंदर जो है फाइव टू नाइन मार्क्स का आ जाता है कई बार सेवन मार्क्स में भी आ जाता है कई बार नाइन मार्क्स में भी आ जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमें हेमल्टनस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा तो हेमल्टन प्रिंसिपल देखिए क्या कहता है इट्स टेट्स दैट ऑफ अ सिस्टम इज़ अगर हमारा कोई सिस्टम है मैनी पार्टिकल सिस्टम है हमारा वो कंज़रवेटिव सिस्टम हो इट मीन्स द सस्टम इज़ इन मोशन ड्यू टू फोर्सेज विच आर कंजरवेटिव इन नेचर और आप जानते हैं कन्जरवेटिव फोर्सेज कौन सी होती हैं वो फोर्सेज जिनसे जब आप वर्क करेंगे तो वो जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के ऊपर डिपेंड करे ना कि पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करे दूसरी बात सिस्टम होलोनोमिक होना चाहिए वट डू मीन बाय होलोनॉमिक सिस्टम इट मीन्स जो हमारे कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं सिस्टम की मोशन के ऊपर यानी कि मोशन डिफाइंड मोशन है ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स उन कंस्ट्रेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आप अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो कंस्ट्रेंट कैसे हैं वो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट हैं तो ये आपके पास जो है सिस्टम आपका होलोनोमिक भी होना चाहिए थर्ड वन सिस्टम इज़ इन मोशन डायनामिक होना चाहिए और ऐसे सिस्टम पे ही हम क्या लगा पाएंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल लगा पाएंगे तो हैमिल्टन प्रिंसिपल में जब आप सिस्टम की चॉइस करें तो सिस्टम शुड बी कंजर्वेटिव हॉलोनॉमिक एंड डायनामिक इट मींस मोशन जिस फोर्स की वजह से हो वो फोर्स कंजर्वेटिव हो और जिस पाथ को आपका सिस्टम जो है वो कर रहा हो जिस कंस्टेंट को वो ओबे कर रहा वो होलोनोमिक कंस्टेंट होना चाहिए तो अब ये देखिए इट मींस द सिस्टम इज इन मोशन ड्यू टू सम कंजरवेटिव फोर्स एंड इट इज ओबेग सम पाथ हैविंग होलोनॉमिक कंस्टेंट तो ये जो पाथ फॉलो करेगा आपका सिस्टम तो मान लीजिए कि हमारे सिस्टम पे हमने यहाँ पर एक कंजरवेटिव फोर्स लगाई थी और सिस्टम जो है फर्स्ट पाथ से भी जा सकता था बी पोजिशन पर तो टी वन से सिस्टम की मोशन स्टार्ट हुई और फाइनल पोजिशन आते आते टाइम टी टू हो चुका So, B is the final position, A is the initial position. So you have lot of uh, infinite number of ways to have first path A C B. Maybe you uh, follow the second path, maybe that one will be the third path that is followed by the system. So ab, uh, Hamilton principle will uh, talk taught about which path will be followed by the system. According to Hamilton principle. जब हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से तीनों कंडीशंस को ओबे करते हुए चलेगा तो हमारे सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है वो क्या होना चाहिए उसका जो टाइम इंट्रीगल होना चाहिए वो या तो मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए तो वही बात हमारा सिस्टम ओबे करेगा तो दोबारा देख लीजिएगा आपका लाइन टाइम लाइन इंट्रीगल ऑफ़ लेगरेंजियन अब इंटीग्रल का मतलब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन लेकिन इंटीग्रेशन लेग्रेंजियन का करना किसके विद रिस्पेक्ट टू है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू करवाना है आपने और टाइम के लिमिट्स आपको क्या दे रखी हैं टी वन से लेकर टी टू तक तो टी वन से टी टू तक आपने इसको इंटीग्रेट करवाना है तो हैमिल्टन प्रिंसिपल ये कहता है या तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम या फिर इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए मिनिमम तो आप इन दोनों वर्ड्स की जगह एक वर्ड का चॉइस कर सकते हैं दैट इज एक्सट्रीमम। तो आपके पास पहले लैग्रेंजियन निकालिए इन सारे पाथ्स का लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कीजिए विद इन द लिमिट्स टी वन एंड टी टू तो आपके पास या तो वैल्यू आए मैक्सिमम या आए मिनिमम तो, तो दैट विल बी द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम वो वाला पाथ आपका सिस्टम जो है ओबे करेगा तो इसको हम देखिए वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं लैग्रेंजियन का मतलब आप जानते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दीजिए तो एनर्जी में से एनर्जी माइनस करेंगे यू हैव अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो ये जो आपकी वैल्यू आए इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कीजिए विद इन द लिमिट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट दैट इज फ्रॉम टाइम टी वन टू टी टू दैन द वैल्यू शुड भी एक्सट्रीमम एक्सट्रीमम वैल्यू होनी चाहिए सोचिएगा अगर वैल्यू एक्सट्रीमम है या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है तो आपका चेंज कितना होगा इस फिज इस क्वान्टिटी का क्योंकि यही क्वान्टिटी या तो आपकी मैक्सिमम है या मिनिमम है तो चेंज ऑफ दिस क्वान्टिटी दैट शुड भी इक्वल टू जीरो वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है एक्जाम्पल देखिएगा कोई फंक्शन है हमारे पास तो उस फंक्शन को हम मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर आपसे ये पूछा जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन टी के विद रिस्पेक्ट टू कैसे वेरी कर रहा है मान लीजिए इस फंक्शन को मैंने एफ़ से रिप्रेजेंट कर दिया है तो एफ का इस पोजिशन के ऊपर इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर टी के साथ वेरिएशन जीरो है तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू टी At point eight, that is equal to zero. अगर चेंज हो रहा होता तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए था फंक्शन क्योंकि ग्राफ ऐसा नहीं आता तो जब आप ग्राफ मान लीजिए आप इस तरह से दे रहे हैं और आपसे इस पॉइंट ए पर पूछ लिया जाए कि फंक्शन जो है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी आप ये कहेंगे ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन को नो no चेंज दिखाना पड़ेगा इसी वजह से ये रिवर्स आ रहा है और यहाँ पर भी देखिएगा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है और उस ए पॉइंट के बाद फिर ये रिवर्स हो रहा है रिवर्स का मतलब ये अब इंक्रीज़ कर रहा है तो एक पोजिशन यहाँ पर ऐसी आएगी जहाँ पर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन का जो वेरिएशन है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो तो जब एक्सट्रीमम होता है एक्सट्रीमम का मतलब क्या है दोनों पोजीशन है या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो तो हमारा जो लैग्रेंजियन है वो भी तो एक्सट्रीमम है तो एक्सट्रीमम है तो उस पॉइंट के ऊपर लैग्रेंजियन के अंदर यानी कि इस पूरे जो आपने ये टर्म दिखाई है इस टर्म की वैल्यू अगर मैक्सिमम है या मिनिमम है तो चेंज कितने का दिखाएगी चेंज दिखाएगी हमारा जीरो का तो आप इन दोनों वर्ड्स के अंदर आ, हैमिल्टन प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं आप कह सकते हैं चेंज ऑफ टाइम लाइन इंट्रीगल ऑफ लैक रेंजन दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो या फिर आप सीख कह सकते हैं लाइन इंट्रीगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ लैगरेंजियन दैट शुड बी बी एक्सट्रीम तो आपका एक्स्ट्रीम होना चाहिए तो देखिए ये यहाँ तक तो आपका हो गया हैमल्टन प्रिंसिपल अब हैमल्टन प्रिंसिपल से हमें निकालनी है लैगरेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखिए कैसे निकालेंगे अब जो हमारा लैगरेंजियन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कोआर्डिनेट जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जर्नलाइज वलोसिटी एंड टाइम पीरियड अब ये देखिए जर्नलाइज कोऑर्डिनेट पे कैसे डिपेंड कर गया या जर्नलाइज वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर गया ये हमारा लैग्रेंजियन लैग्रेंजियन को कैसे डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं द ईज फार्मूला यू नो दैट इज़ हाफ ऑफ एमविस्ट के टाइम के साथ हाफ वेरी नहीं करेगा मास वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी करेगी तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है चेंज कर रहा है वी ने टी को चेंज कर दिया तो आपका वी इंडायरेक्टली किस को चेंज कर रहा है एल को चेंज कर रहा है तो यहां से तो हमारा आ गया देट इज वेलोसिटी उसके बाद आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन पर डिपेंड करती है पोजीशन किससे दी जाती है कोऑर्डिनेट से तो अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी पोजीशन चेंज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी और अगर पोटेंशियल चेंज पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई तो लैग्रेंजियन भी चेंज हो जाएगा इट मींस कोऑर्डिनेट चेंजिंग लैग्रेंजियन तो कोऑर्डिनेट से लैग्रेंजियन चेंज हो जाता है और वेलोसिटी से भी लैगरेंजन चेंज हो जाता है और टाइम के साथ ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो लैगरेंजन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो टै जो आपका लैगरेंजन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जर्नलाइज वेलोसिटी एज वेल एज टाइम पीरियड अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं लेगरेंजन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ़ टाइम तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आपने कंसिडर कर लिया तो दिस फैक्टर इज़ नॉट गोइंग टू अ चेंज लेगरजन तो यहाँ पर सिर्फ दो ही फैक्टर्स रह गए एक तो रह गई आपकी जो है कॉर्डिनेट और एक आपकी क्या रह गई जर्नलाइज वेलोसिटी तो टी इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इस वजह से आपका लैगरेंजियन भी वेलोसिटी का फंक्शन है वी इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजिशन दैट इज़ कोऑर्डिनेट तो इस वजह से लेगरेंजन भी किसका आपका फंक्शन हो गया जर्नलाइज कोर्डिनेट का फंक्शन हो गया तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें हमने क्या कंसीडर कर लिया एल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम तो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ किस पे रह गई कोऑर्डिनेट के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर ये जो हम क्यू आई डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्यू आई डॉट और कुछ नहीं है इसको आप समझ लीजिएगा केव आई डोट इज़ इक्वल टू चेंज इन क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ योर चेंज ऑफ़ कॉर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ योर वेलॉसिटी ये वेलासिटी हो गई तो अब ये देखिए हमें निकालना क्या है हमें निकालनी है ये जो आपकी इक्वेसन है ये जो कंडीशन है तो हमें चेंज निकालना है पहले लैगरेंजियन का तो देखिए क्या किया जाएगा हम जानते हैं कि लैगरेंजियन की डिपेंडेंसी इन दोनों के ऊपर है तो इन दोनों में से कोई भी चेंज हो गया तो लैगरेंजन चेंज हो जाएगा तो चेंज इन लैगरेंजियन क्या करेंगे कोऑर्डिनेट चेंज कीजिए दिस कोऑर्डिनेट विल गोइंग टू चेंज लैग्रेंजियन तो हमने क्या किया पहले कोऑर्डिनेट में चेंज देख लिया एंड दिस कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू चेंज इन लैग्रेंजियन तो चेंज ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फर्स्ट चेंज द कोऑर्डिनेट सेकेंड देखिए अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो पहले वेलोसिटी को चेंज कीजिए चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी विल चेंज दिस लेगरेंजियन तो लैगरेंजियन में चेंज आ जाएगा तो दिस इज द चेंज इन लेगरेंजियन तो ये आपके पास आ गया चेंज ऑफ लेगरेंजन नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड क्यों कर रहे हैं हम बोथ साइड इंटीग्रेट आप ये देखिए दैट इज़ आवर कंडीशन हम चेंज निकाल चुके हैं अब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको क्या करवा देंगे इंटीग्रेट और वैल्यू को किसके इक्वल पुट करवा देंगे जीरो के तो ये हमारी जो इक्वेशन हमारी आई है आप कह दीजिए दिस इज इक्वल इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर को बहुत साइड्स आपने इंटीग्रेट करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो करवा दिया तो ये देखिएगा डी टी लगाया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी वन से लेकर टी टू तक तो ये लेफ्ट वाली टर्म तो आपकी ये आ गई है अब इस टर्म को देखिएगा इस टर्म के साथ यहाँ पर डी लगाया तो ये डी लग गया है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करवा रहे हैं तो इंटीग्रेट हमने करवा दिया समेशन को हमने एज इट इज़ रखा है उसके बाद देखिएगा इस टर्म को भी हमने इंटीग्रेट करवाया है तो यहाँ पर डी लगा दिया तो ये देखिएगा डी लगा दिया है और विद समेशन को समेशन ही रखा और यहाँ पर क्या करवा दिया है इंटीग्रेट करवा दिया है तो यहाँ पर मैंने केप से रिप्रजेंट कर दिया है आपकी बुक में के की रिप्रेजेंटेशन भी है कुछ बुक में आपने आई से भी रिप्रेजेंट कर रखा है तो आप यहाँ पर आई रखा है तो आप इसको आई रख दीजिए और यहाँ पर अगर आप के रखना चाह रहे हैं तो आप इसको के से रिप्रेजेंट कर दीजिए तो आप इसको के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जर्नलाइज कोऑर्डिनेट को क्यू के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप के आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अगर यहाँ पर के आई से रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर भी के आई से ही कीजिएगा यहाँ के के से किया है तो यहाँ पर भी केव के से ही रिप्रजेंटेशन दे दीजिएगा बार बार रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं करनी है हमने उसके बाद देखिएगा और हमने देखिए क्या किया इसको ये हमें जा, हम जानते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के तो ये पूरी टर्म आपकी ये आई है तो हमने इसको जीरो के इक्वल सब्सिट्यूट कर दिया है उसके बाद देखिए हमने क्या कर रहे हैं हम इस वाली टर्म की बात कर रहे हैं ये क्यू के डॉट हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आपका केव वाई डॉट है इसको केव के लिख दीजिए तो ये आपका कुछ नहीं है ये आपका चेंज ऑफ के के विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड है तो हमने यहाँ पर यही किया है कि ये जो हमारा केव के डॉट था इस केव के डॉट को डी केव के अपॉन डी टी रख दिया है और उसके बाद क्या है कि हमने चेंज पहले कर दिया और डिफ्रेंशिएशन बाद में रख लिया यानी कि इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं इंटरचेंज कर रहे हैं इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए तो ये आपके पास आ गई तो पहले को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए बाई वाई विद रिस्पेक्ट टू बाद में कर दीजिए या फिर आप वाई बस वॉट कीजिए तो दोनों जगह आपका रिजल्ट तो सेम ही आता है तो इस वैल्यू को हमने कुछ इस तरह से रख दिया तो यहाँ पर यहाँ पर ये यह चीज़ आप सब्सिट्यूट कर दीजिएगा तो हमने ये सब्सिट्यूट कर दी तो देखिए क्या किया हमने ये जो फर्स्ट टर्म थी हमने इसको एज़ इट इज़ रखा है ये देखिए ये यूँ की ट्यू टर्म आपके पास आ गई है हमने इसके साथ कोई चेंजेस नहीं किए ये एज इट इज़ टर्म आपकी यूँ क्यों आ गई है लेकिन ये जो सेकेंड टर्म है इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए ये चेंज ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू के डॉट को तो एज इट इज़ रखा लेकिन ये जो आपकी टर्म आई थी ये हमने इसको इस तरह से पुट कर दिया है ये सब्सटिट्यूशन हमने यहाँ से पुट कर दिया है एंड डी टी और ये किसके इक्वल रखना था हमने ज़ीरो के इक्वल रखना था तो ज़ीरो के इक्वल रख दिया अब ये जो हमारा सेकेंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ रखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस सेकेंड टर्म को बाय जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स जो है हम इंटीग्रेट करवा देंगे इसको तो हम मान लेंगे हमारी फर्स्ट टर्म जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करवाएंगे इसको हम कंसीडर कर लेंगे हमारी सेकेंड टर्म तो ये देखिए कैसे करेंगे इस टर्म को तो हमने क्या किया एज इट इज़ रख दिया ये देखिएगा यूं यूं टर्म हमने एज इट इज़ रख दी है एज़ इट और इंटीग्रेट करवा रहे हैं सेकेंड टर्म को बाय पार्ट्स तो जब बाय पार्ट्स आप इस सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करवाएंगे तो क्या करते हैं ये फर्स्ट टर्म तो आपकी एज इट इज आ जाएगी तो देखिए यूँ तो यू क्यों रखी है और जो सेकेंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो सोचिएगा ये थी हमारी पूरी की पूरी सेकेंड टर्म अगर ये सेकेंड टर्म थी इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपकी एज इट इज़ यू क्यों आ जाएगी लिमिट्स क्या रखनी थी टी वन से लेकर टी टू तक तो हमने टी वन से लेकर टी टू तक रख दी समेशन की जगह समेशन यूं का यूं रखा है उसके बाद क्या करते हैं माइनस आएगा आपका क्योंकि बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया यहाँ पर माइनस लगा दिया है ये माइनस हमारा आ चुका है नेक्स्ट जब करते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेट तो ये वाली जो हमारी फर्स्ट टर्म थी ये जाती है अंडर डिफ्रेंशियशन तो ये देखिए ये जो टर्म है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करवा दिया है तो ये देखिए यूँ ये टर्म रखी और उसको हमने डिफ्रेंशिएट करवा दिया सेकेंड टर्म का क्या होता है सेकेंड टर्म का होता है इंटीग्रेशन तो सोचिएगा ये जो टर्म है इसको आप पहले डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं फिर इंटीग्रेट भी करवा रहे हैं तो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी डी टी हमारे पास डी टी था ही और लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं टी वन से लेकर टी टू तक और एक काम और भी कीजिएगा साथ में समेशन भी लगा दीजिएगा समेशन साथ साथ चलता जाएगा तो ये बात आपको सन में आ गई होगी तो बाय पार्ट्स के अंदर जब आप इंटीग्रेट करवा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आपकी आ जाती है सेकेंड टर्म को आप करवा देते हैं इंटीग्रेट फिर नेगेटिव साइन के साथ फर्स्ट टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करवाते हैं सेकेंड टर्म को आप इंटीग्रेट करवाते हैं विद इंटीग्रेशन तो ये हो गया हमारा अब ये देखिए सिर्फ इस टर्म के ऊपर फोकस करना है हमने इस टर्म में आपने वैल्यूज रखनी है टी वन से लेकर टी टू तक अब सोचिएगा टी टू यहाँ पर कहीं आया ही नहीं हुआ टी वन टाइम यहाँ पर कहीं आया ही नहीं हुआ इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं टी टू टाइम के ऊपर यानी कि फाइनल टाइम के ऊपर चेंज इन कोऑर्डिनेट कितना था या फिर आप ये कह सकते हैं इनिशियल टाइम टी वन के ऊपर चेंज इन कोऑर्डिनेट कितना था इसको देखिए आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं मोशन सिस्टम की यहाँ से स्टार्ट हुई थी ए पोजिशन से ए पोजीशन पे टाइम था टी वन तो ए पोजीशन पे जब टाइम टी वन था तो कोऑर्डिनेट भी तो फिक्स ही होगा ना अगर कोऑर्डिनेट ए पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो आप पोजिशन नहीं दे सकते आपके सिस्टम की इसका मतलब ये क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट तभी तो इनिशियल पोजीशन डिफाइन करवा पाएंगे आप तो जब ये कांस्टेंट है इसके अंदर चेंज कितने का होगा जीरो का सिमिलरली जब आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं तो फाइनल पोजीशन पे आपका जो फाइनल कोऑर्डिनेट है पोजीशन कोऑर्डिनेट वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना अगर ये वेरिएबल है तो इसका मतलब अब भी आपकी बॉडी जो है क्या कर रही है मूव कर रही है तो फाइनल पोजीशन पर टाइम जब टी टू हो जाता है तो आप कोऑर्डिनेट को फुली डिफाइन करते हैं वो उस टाइम कांस्टेंट होता है तो आप क्या बी पोजिशन पर यह कह सकते हैं कि सिस्टम इज इन मोशन नहीं क्योंकि वो फाइनल पोजिशन पे आ चुका उसकी मोशन एंड हो चुकी है तो बी पोजिशन के ऊपर चेंज इन कोऑर्डिनेट आपको कितना बताना पड़ेगा जीरो क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसका मतलब अब भी सिस्टम मोशन के अंदर आगे जा रहा है अब तक ये इसकी फाइनल पोजीशन नहीं है तो चेंज इन कोऑर्डिनेट एट इनिशियल पोजीशन एंड एट फाइनल पोजीशन दैट इज इक्वल टू जीरो वो ज़ीरो हो जाती है तो इस वजह से डेल्टा क्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी तो हमने इस वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दिया तो ये ज़ीरो पुट करते ही हमारे पास ये जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के तो अब तक हमारी इक्वेशन में फर्स्ट टर्म ये थी ये ज़ीरो नहीं है सेकेंड टर्म ज़ीरो हो चुकी है और थर्ड टर्म भी ज़ीरो नहीं है लेकिन सबका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए सोचिएगा समेशन कर रही हैं और आप वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पर k इज इक्ल टू वन से लेकर थ्री एन तक या f तक डिग्री ऑफ फ्रीडम तक जानते हैं अगर जो आपके पास n पार्टिकल्स हैं सिस्टम के तो कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट का नंबर थ्री एन तक जाता है व्हेन देयर इज़ नो कंसटेंट और जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जो नंबर है के इजिकल टू वन से लेकर f तक जाता है जब कोऑर्डिनेट्स के बीच में किसी तरह के इंट्रैक्शन हो या किसी तरह के कंसटेंट्स हों तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तक लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हम मान लें कि कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है तो आपके एन पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर तो ये जो समेशन है वन वन से लेकर थ्री एन तक जाएगा तो पुट करते जाइए के की जगह वन टू थ्री और अप टू थ्री एन पुट कीजिए और आप समेशन ओपन कर दिया आपने एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ को इंडिविजुअली ज़ीरो होना पड़ेगा तब जाकर हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल आएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं इन दोनों टर्म्स में जो हमारी बच गई क्योंकि ये तो थर्ड टर्म ये सेकंड टर्म तो हमारी जीरो हो चुकी है तो ये जो तर, दो टर्म्स हमारी बच चुकी हैं इनमें अगर आप ध्यान दें तो ये आपका चेंज इन क्यू के विद डी और चेंज इन क्यू के विद चेंज इन डी तो ये जो आपकी टर्म्स हैं यहाँ पर देखिए दोनों जगह आई हुई हैं इंटीग्रेशन भी दोनों जगह आया हुआ है समेशन भी दोनों जगह आया हुआ है तो इन सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा हमारी तो देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स ही बची थी ना तो इन दोनों टर्म्स में ये चीज़ कॉमन निकाला निकाल लेंगे अब ये समेशन uh, लगा दीजिएगा यहाँ पर समेशन भी हमारा निकलाएगा इंटीग्रेशन भी निकलाएगा तो हमने देखिए क्या क्या निकाल दिया है समेशन भी निकाल दिया इंटीग्रेशन भी निकाल दिया चेंज इन क्यू के भी निकाल दिया और चेंज इन डी टी भी निकाल दिया टाइम भी निकाल दिया और अंदर क्या बच गया हमारा चेंज ऑफ फेल विद रिस्पेक्ट टू क्यू के और ये हो गया डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका चेंज ऑफ फेल विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट तो ये जो टर्म है अगर ये टर्म हमारी इज इक्वल टू जीरो आ जाए क्योंकि देखिए इसी टर्म में तो पुट करते जाएंगे ना के इज इक्वल टू वन के इज इक्वल टू टू के इज इक्ल टू थ्री तो अगर यही टर्म हमारी इंडिविजुअली ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो इंटीग्रेशन तो अपने आप ही किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के हो जाएगा क्योंकि देखिए चेंज ऑफ पोजिशन ज़ीरो नहीं है क्योंकि हम ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो पोजिशन ऑफ द सिस्टम तो चेंज हुआ ही है और ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो टाइम भी तो चेंज हो रहा है टी वन से लेकर टी टू तक तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये तो ज़ीरो है नहीं तो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये जो आपकी टर्म है ये पूरी टर्म इसके मल्टीप्लिकेशन में जब जाए तो ये पूरी टर्म अगर जीरो हो जाए तो ये बेशक नॉन ज़ीरो हो ओवरऑल आपका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो ये टर्म हमारी किसकी इक्वल होनी चाहिए जीरो के तो इक्वेशन वुड बी इक्वल टू ज़ीरो इफ क्या होगा एवरी टर्म ऑफ समेशन सेपरेटली बी इक्वल टू जीरो तो समेशन की ये सारी टर्म्स इक्वल हो जाए जीरो के इक्वल तो हमने इसको कर दिया जीरो के इक्वल तो ये आ गई आपकी और इसको थोड़ा सा चेंज अगर आप कर लें नेगेटिव साइन अगर आप कॉमन ले लें तो ये टर्म तो हमारी हो जाएगी पॉजिटिव ये टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी तो आप ऐसे लिख दें इज इक्वल टू जीरो या फिर आप ऐसे लिख दीजिए दिस फर्स्ट सेकेंड टर्म वो आप फर्स्ट टर्म बन गई है नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई फर्स्ट टर्म आपकी सेकेंड हो गई या पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी तो आप चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए बोथ आर करेक्ट रिजल्ट एंड दिस इज़ योर यैगरेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन तो लैगरेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपकी इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कीजिए किसको चेंज कीजिए लैगरेंजन को पहले विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी डिफरेंशिएट कीजिएगा फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कीजिए माइनस में क्या कीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा लैगरेंजन को विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट और ये दोनों वैल्यूज़ आप जैसे ही रखेंगे विद नेगेटिव साइन इन बिटवीन दैम इज इक्वल टू जीरो जैसे ही पुट कर देंगे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी तो दिस इज ऑल अबाउट लग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हैव अ नाइस डे हैव अ ग्रेट डे